अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कराची स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ा दी गई हैं। इससे कबल स्कूल यकम अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया था। कराची में जारी हालिया मानसून के पेश नज़र स्कूलों की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। निजी स्कूलों की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक इससे कबल स्कूलों को 9 अगस्त से खोलने का हुक्मनामा जारी किया गया था। तहम मौजूदा मानसून और मूसलाधार बारिशों के बायस तातीलात को आगे बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त से खोलने का फ़ैसला किया गया है। वाज़ह रहे कि 24 मई को जारी महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून बरोज़ बुध से शुरू होकर 31 जुलाई इतवार को ख़त्म होंगी और 1 अगस्त बरोज़ पीर से सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल और यूनिवर्सिटियां अपने तालीमी प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगी। यहां ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि 27 जुलाई को पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से भी मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ाकर 15 अगस्त से सेशन शुरू करने का नोटिस जारी किया गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कराची स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ा दी गई हैं। इससे कबल स्कूल 1 अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया था। कराची में जारी हालिया मानसून के पेश नज़र स्कूलों की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। निजी स्कूलों की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक इससे कबल स्कूलों को 9 अगस्त से खोलने का हुक्मनामा जारी किया गया था। तहम मौजूदा मानसून और मूसलाधार बारिशों के बायस तातीलात को आगे बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त से खोलने का फ़ैसला किया गया है। वाज़ह रहे कि 24 मई को जारी महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून बरोज़ बुध से शुरू होकर 31 जुलाई इतवार को ख़त्म होंगी और 1 अगस्त बरोज़ पीर से सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल और यूनिवर्सिटियां अपने तालीमी प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगी। यहां ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि 27 जुलाई को पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से भी मौसम गर्मा की तातीलात बढ़ाकर 15 अगस्त से सेशन शुरू करने का नोटिस जारी किया गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलेंगे।